मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी 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 मांगे पूरी करो। अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हटो यार यहाँ से जल्दी से, मैं शुरू होने वाला, मुझे नौकरी से निकलवाओगे क्या करोगे? हटो जल्दी से, कर रहे हो यहाँ पे? अजी लैटरिन कर रहे हैं। अबे तो पिच पे क्यों भाग रहे हो? भाई साहब वैसे भी तो हम ग्राउंड पे भाग ही रहे हैं, बॉल आ रहे हैं हम सब, तो बॉलिंग कराओ ना, हक क्यों रहे हो यहाँ? भाई साहब धरना दे रहे हैं हम। धरना किस बात का? भाई साहब एक बात बताओ, हमें जलील करने के लिए खरीदा जा रहा है, जो भी आ रही है ठोक के आ रही है, कुछ दिनों बाद कोठे पे मिलेंगे हम। क्यों भाई, क्या मांगे हैं तुम्हारी? देखो जी हमारी सिंपल सी सीधी सी मांगे हैं, एक तो ये बाउंड्री बड़ी करो, बिल्कुल, और दूसरा एक ओवर में अगर कोई बैट्समैन 3 छक्के मारता लगातार तो उसे आउट दो। क्यों भाई? ना जी आउट से काम नहीं चलेगा, इन्हें बैन करो। ना जी बैन से भी काम नहीं चलेगा, इन्हें डायरेक्ट फांसी दो। ज्यादा पिटा था क्या? सुबह से इसलिए तो बैठा हूँ धरने पे, और वो बेचारा बोलर जो अकेला 15-20 दिन से भूखा प्यासा अनशन पे बैठा, उसका क्या? ये SRC क्या है? SRC का मतलब है 6 रो को चूतियो। ओ भाईजान, कहाँ भाईजान कहाँ? अनशन तो ठीक है लेकिन मुंह क्यों छुपा रखा? 72 रन खाए थे इन्होंने, ज्यादा बुरे भी ना, 4 ओवरों में 72 रन, 1 ओवर में खाए, फिर तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है इसे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन पहले ये मैच पूरा कर लो। इंतजार कर देना धोनी भाई। सो व्हाट्स योर कॉल? हेड हेड। एंड विराट यू वॉन, यस हम जीत गए। दैट वाज हैं, जीत गए। अरे यार यार हमारी इस जीत में अके का बहुत बड़ा हाथ है, अभी तो छोटा है, एंड डिविलियर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, और गेल का बहुत बड़ा है हाथ, बहुत बड़ा है उसका भी इस जीत में। सो ये हमारा अभी तक सपना ही था ये ट्रॉफी लेके आना, और सपना ही रहेगी। बहन चो जल्ला हमारी जीत से। तुमसे क्यों चेतूंगा मैं, तुमने कौन सा ट्रॉफी उठा ली? धूला। हमने विराट भाई सपने दिखाओगे या कभी ट्रॉफी भी जितवाओगे? विराट भाई कम से कम सपने में तो ट्रॉफी जिता देते यार, घटिया एक नंबर के। हमारा काम पाक लगवा दो कहीं, हम 340 में ठीक थे। विराट भाई मुझे यकीन है अपना सपना एक दिन पूरा होगा, और सिर्फ अपना पूरा नहीं होगा, उन करोड़ लोगों का भी पूरा होगा। और स्टेडियम में कदम रख दिया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर सुनील हुड़िप्पा जी ने, और ऑरेंज कैप होल्डर हैं, और यहाँ पर ये देखिए देसी एम्पायर का हाथ लग रहा है जिनका कोई नाम नहीं है, और ये अपनी भैंस के साथ आए हैं, जैसा काम वैसा नाम, इस पर नाराज होंगे दलाल जी, और बिल्कुल नाराज लग रहे हैं। हुड़िप्पा हाउ हाउ क्या कहते हैं, ठीक है तू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? अच्छा अच्छा, चंपा हमारी फाइनल देखने को कह रही थी, हम ले आए, पूरा 4 लीटर दूध देती, बनवा दे क्या तुम्हारा भी? बिल्कुल बिल्कुल, और 2 लीटर तुम्हारी भाभी का भी, उसका तो हमें ही कम पड़ रहा उड़िप्पा। अरे तुम्हारी भाभी के लिए। अच्छा बड़ी गंदी सोच है तुम्हारी। अबे भैया तुम लोग मैच होने दोगे या नहीं? अरे खूंटे में ना मान दूं इसे। अबे ये खूंटा है, स्टंप है। स्टंप धोनी भाई मैच शुरू होने वाला, तुम यहाँ बैठ के मोबाइल चला रहे हो? मैं मोबाइल नहीं चला रहा, बिनोमो चला रहा हूँ। बिनोमो ये क्या है? अबे तुझे नहीं पता, बिनोमो एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एडिशनल इनकम कर सकते हो। बिनोमो बहुत आसान है सीखने में और यूज करने में। सच में? धोनी भाई कैसे, मुझे भी सिखाओ। सबसे पहले तुम स्टार्ट करो ट्रेडिंग विद अनलिमिटेड डेमो अकाउंट से, इससे क्या होगा तुम सीख जाओगे।
जहां तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने स्किल्स को, उसके बाद शिफ्ट हो जाओ अपने रियल अकाउंट पे। समझ नहीं आया थोड़ा सा धोनी भाई। चलो मैं तुम्हें एक एक्चुअल ट्रेड लेकर दिखाता हूँ अपने रियल अकाउंट से। ये मैंने ओपन कर लिया, मुझे लग रहा है कि चांट नीचे की ओर जाएगा, और देखो देखो गया नीचे। मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई और मुझे प्रॉफिट भी हो गया। विड्रॉल कैसा होगा? पर विड्रॉल करना भी काफी आसान है, बिनोमो वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड वेबसाइट है, 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट हमेशा रहता है। वाह बिनोमो तो बहुत बढ़िया ऐप है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना ध्यान से। धोनी भाई अभी करूंगा, आओ चलना रे, मैच शुरू होने वाला है। आओ, आओ। और यहाँ चेन्नई, जी हाँ चेन्नई स्टेडियम में उतर गई है। और ये देखिए द मिथ द लेजेंड द माही धोनी और उनके साथ उनकी पूरी टीम। लेकिन ये आगे कौन है? ये आपने देखा है इसको भाई? मैं नहीं जानता ये कौन है। कौन है? इसको हटा भी हटाओ हट। अरे ये किसको पकड़ने चाह रहे हैं ये? बॉयज अपने ही होम ग्राउंड है और बढ़िया से फील्डिंग करनी है, पावर प्ले में 2-3 विकेट गिरा लेने। गाइस यार मेरी बात सुन लो, मैं कैप्टन हूँ मैं। तो धोनी भाई आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग जलील करने के लिए कैप्टन बनाया। और आरसीबी की तरफ से उतरा है किंग कोहली और उनके साथ हाफ दो पसली। जी हाँ, और विराट कोहली काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और हाफ दो पसली सिर्फ यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। जी जी, और बेंगलुरु अभी तक एक भी बार नहीं उठा पाई है, बहुत अफसोस की बात है। मैं तो रोज उठा रहा हूँ और मैच शुरू। वैसे मैं कब उठाने की बात कर रहा था? अच्छा कब की बात है? और ये छोड़ो उसको, 4 रन। ओहो, पहली बॉल पर ही विराट कोहली ने दिखा दिया है। ये दूसरी बॉल और ये आउट लग रहा है। मुझे एज लगा है, मुझे भी लग रहा है एज की आवाज आई है। जी जी, ये देखिए क्या होगा। ओ माय गॉड एम्पायर, देख रहे हैं उनको, कुछ मसला है। अरे ये क्या बेटी चौकने आउट है ये। और ये क्या एम्पायर डीआरएस क्यों ले रहा है? अरे यार एम्पायर डीआरएस कैसे ले सकता है भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है, एम्पायर डीआरएस कैसे ले सकता है, डीआरएस तो बोलेगा। अबे तू कौन है? मैं कैप्टन हूँ टीम का। ये कप्तान है? फोटो तो आपकी आती है। थाला फॉर अ रीजन। अरे लेकिन डीआरएस कैसे ले सकता है एम्पायर यार? मैं यार क्यों नहीं ले सकता आखिर एम्पायर डीआरएस? आखिर क्यों नहीं ले सकता? जलाल देख रहे हो उसकी आंखों में, हम मर जा मैं क्या करें, ये गांड में स्टंप डाल के मर जाऊं। मुझे कुछ नहीं पता, स्क्रीन की तरफ को देखो। तो जी हाँ, रीप्ले में देखना पड़ेगा आखिर क्या हुआ। जी ये देखिए बॉल जा रही है बल्ले से टच, बल्ला कहाँ है? बल्ला बिल्कुल सच्चा गेम है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जी जी जी, विराट हैक। हाँ बिल्कुल सही सही निर्णय विराट का, यस फेयर प्ले मिलेगा। और वैसे देखा जाए ना तो बॉल जो है बल्ले से काफी दूर है। दूर है? अबे बल्ले घास में। जी हाँ नो डाउट, आला फॉर अ रीजन। और ये है गलत डिसीजन। बड़ा गलत है यार, ज्यादा बड़ा सट्टा ले लिया। किन्ने और बॉलर की अगली बॉल विराट कोहली को, और विराट कोहली का शानदार स्ट्रेट ड्राइव और ये चौका। हेलो शेख साहब। ए दलाल बहन चो, तुम किधर होती? हम खाली स्टेडियम में 2 घंटे से बैठती, मैच कब शुरू होती? अरे मैच तो कंटिन्यू है, लगता है आप गलत स्टेडियम पहुंच गए। गलत? तुम साला जिंदगी का कड़वा सच अभी तक नहीं समझ पाई कि जिसके पास पैसा होती उसके लिए गलत नाम की कोई चीज नहीं होती, पैसा उसकी गलतियां भी ऑटोमेटिक खुद ठीक कर देती। तो तुम अब एक काम करती, अपना पूरा स्टेडियम 15 मिनट में इधर शिफ्ट करती। अरे पर शेख साहब यहाँ तो बहन की आंख, सालों ने क्रिकेट को लूटा बना दिया। अबे दलाल कितनी दूर और रह गया स्टेडियम? आला भाई 10 कदम समझो बस। अबे 10 कदम कर गया ना, 10 किलोमीटर तो लेके आ गया अब तक, तो 10 और चल लो। अरे भैया हमारे बस की और ना, हमसे और रनिंग ना होगी। अरे बस भी तो हो गए हैं। अरे अरे भैया रोको रोको। अरे हम तो रुके पड़े 17 साल से, और कितना रुकागा? अरे भागो, तुम्हारे बाप का इंजन आया, तुम्हारे बाप ने लेकर दे दिया। होगा कप्तान निकल, मैं तो धोनी हूँ, धोनी धोनी है, घर पे आकर धोऊंगा। निकल निकल चल।
ये सर तुमने बांसखेड़े स्टेडियम समझ रखा? अरे चलिए चलिए। अरे हम तो चल लेंगे, टू डे टू कैसे चलेगा मैच में। अरे यार बिठा लो, देखियो इस पर बैठ ले। अरे चल, इसमें कौन बैठ गया है, तो खत्म है। खत्म में तो मुझे तुम्हारा करियर लग रहा। अगर बाय चांस ना चल पाओ तो बल्ला तुमसे अच्छा चला लेते हैं हम, बुला लियो। वैसे कौन बुला लिया, हम ही बता रहे हैं। चलो हाँ, नाक कटाने को तो तुम ही काफी हो। मुझसे कह रही है, नाम याद रखियो हमारा, अरशद ई रिक्शे वाला। बहनचोद, बॉल चेंज होते हुए तो देखिए, ये स्टेडियम पहली बार चेंज हो रहा। चलो बे फील्डिंग लगाओ। अरे विराट बल्ला दिए जरा। अरे ला मैं ही ठोकूं। ओ खतरनाक एंट्री, कार से किसकी हुई है, ओ माय गॉड, सुनील उड़िप्पा और देसी एम्पायर। ये देखिए स्वैग देखिए, ये है जी रोला, ये है दबदबा, इसे बोलते हैं असली क्रेज। जैसे आते हैं लेजेंड्स। अबे विराट, तुम्हें तो मिनी मेट्रो वाले जलील करके जा रहे हैं, और ये देख कारों से आ रहे हैं। अरे तुम कौन सा फरारी से आए हो, तुम भी घुटने किसका आयो मेरे साथ। ये लीजिए मैच स्टेडियम, और वही हाफ दो पसली स्ट्राइक पर है, बॉलर बॉल फेंकने को तैयार, और ये उसकी पहली गेंद। और ये क्या, ये हाफ दो पसली पिछले सीजन का कुछ रिपीट सा नहीं लग रहा है। विराट काफी खुश नजर आ रहे हैं। वैसे ऐसा लग रहा है जैसे मानो बॉलर और कीपर आपस में खेल रहे हो बॉल बॉल। हाँ हाँ, अबे तुझसे रन क्यों नहीं लग रहा भाड़ू, तुमसे ट्रॉफी क्यों नहीं उठ रही। हाँ कोई बात ना, एक आध मुझसे ले लियो, घर पे तीन चार पड़ी हैं। उड़िप्पा जी, ये जो आईपीएल की ट्रॉफी होती है ये कैसे जीती जाती है? विराट भाई, ट्रॉफी जीती जाती है टीम वर्क से। जिस दिन तुम्हें सही टीम मिल जाएगी तुम ट्रॉफी जीत जाओगे। पर मेरी टीम में ऐसी क्या कमी है? बॉलर्स की। बॉलर्स की, सब कमी बॉलर्स की है, सही कहा जी। अगली बॉल के लिए तैयार, और ये बॉलर तैयार, बॉलर भाग गया और ये बॉल फेंक दी और ये फिर दिया। मेरा लंड देखे में। बॉलर्स की कमी है, बॉलर्स की कमी है। अरे ये कौन सा बॉलर है, इसने तो कभी बॉल भी ना छुई। बैट्समैन की भी कमी है विराट। तो फिर क्या बचा टीम में, कमी कमी बची। आधे में निपटा दू। आधे में क्या करने कह रहे, इसका काम निपटा दूं आधे में। करो फिर। पक्का करूं? हाँ करो करो। ठीक है। थाला भाई, कुछ आधा आधा करने के लिए कह रहे हैं। आधा 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 कर दूंगा स्कोर अगर ये बारिश पड़ी तो। मौसम तो साफ है। मेरा बिगाड़ दूंगा। फील्डिंग बल्ला, चल बे। ये गेम पहले से ही बहुत सच्चा और लॉयल रहा है। जी हाँ, ये कौन है, ये उड़िप्पा? मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? ये आप चेन्नई के खिलाड़ी हैं, सुनील ठाकुर मिचेल स्टार। और ये गेंद और ये बॉन्ड, बॉन्ड मार दिया है हाथ दो पसली को। यस यस साला गटुआ। स्पेशल अनाउंसमेंट, सुनील उड़िप्पा इज द न्यू पर्पल कैप होल्डर। कांग्रेचुलेशन सुनील उड़िप्पा जी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सुनील उड़िप्पा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है पर्पल कैप जीतकर? सर मैं क्या बताऊं, मुझे कैसा लग रहा है, मैं बहुत भावुक हो रहा हूं, मैं नर्वस हो रहा हूं, मैं गाली बक दूंगा बहन के लड़ो तुम्हें। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, लेट्स कंटिन्यू द मैच। Okay, okay. जी हाँ, मैच शुरू किया जाए। और ये क्या, ओ ओ ओ माय गॉड, जैगुआर कुड़ी कैंडी, पहले जैगुआर ले लो फिर चाय मेरी ले लो। ये कौन है? जी हाँ, ये कौन है पता नहीं चल रहा है।
इतना पैसा, इतना पैसा, माय गॉड, हमें यहाँ डिब्बे में बैठा दिया। उनकी माँ का बोला हमें लूट दिया। अरे मैं जा रहा हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, बेइज्जती बहुत है। ये देखिए किस तरह से। ओ ओ ओ, ये कौन है? और पैसों के साथ है तो शेख का छोटा भैया गंडी से। और मेरा मतलब आप समझे, ये शेख का वही भाई है जो ले गया था वॉट सन को। एंड इस सीजन पता नहीं कौन है, हमें कमेंट्री छोड़नी पड़ेगी। ए इधर आती, ये भैया किधर होती है हमारा? वो बेटा सामने देखो, वो ईंट पड़ी क्या उधर सोने की? ओ क्या गाड़ी होती हमारी, गाड़ी बढ़िया होती ना हमारी, चलती क्या? कहाँ? अरे धोनी भाई, तो वो आ गया जो पिछली बार वॉटसन को ले गया। अरे बचा लो भैया। प्यार मोहब्बत की कदर ही नहीं होती भैया। भैया यहाँ का UPI छोटी छोटी 100 करोड़ की पेमेंट पे हैंग मारती, तो हम इसलिए हम इस साल सोने की ईंट से पेमेंट करती। और ये ज़कात का पैसा कैसे उड़ती? ये बस खुले बचती, बाकी के तो हम बांट देती। और ये सोने की ईंट अपनी किचन की तो नहीं होती? डॉगी हाउस की होती भैया। वेरी गुड, पर एक मिनट, साली कुत्ता तो अपने घर में हराम होती, ये अपनी किचन की ईंट होती ना। साली तुम्हारी चौवन भी भाभी अब हमसे कितना नाराज होती। साली खबीस, अगर तुम इस बार कोई नापाक हरकत करती तो हम तुम्हारी कसम खाती, सोने के गिलास में जहर की पुड़िया डाल के यहीं पी के दफन हो जाती। उसमें मिला हुआ होती पहली। और ये शानदार कैच, अब देखना होगा विराट ने अगला खिलाड़ी किसको भेजा है। एंड ये ओ मैक्सवेल, काफी खतरनाक आंकड़े हैं इनके, रिकॉर्ड इनका बता रहा है कि ये कुछ आतिशबाज बल्लेबाज है। बॉलर की पहली बॉल मैक्सवेल को, और मैक्सवेल का शानदार डॉट, एक आधक निकल जाए, दूसरी डॉट, ये क्या हो रहा है, तीसरी डॉट, चौथी डॉट, ओ माय गॉड, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा मैक्सवेल को। और एक और बॉल, और एक फिर डॉट, ये क्या कर रहे हैं मैक्सवेल? मैक्सी ब्रो यार रन मार ले, हिट द रन। यस ब्रो आई विल हिट द रन। This is bad bowler, very fast. Iski ban karo. Dhoni, is there any slow bowler? Aatu jaatu. Maxwell, abe yaar kya kar raha hai tu? Maar le yaar chauke chakke yaar. Jita de is saal to jita de na yaar. Main tere piche haath jodu yaar. Please. Run! Abe kya kar raha hai Maxwell tu? Tujhse run na lag raha hai yaar. Abe in bowler ki bowler pe na bacche bacche run maar de aur tu you kar raha hai? ये कुछ इतना? This team has no luck. अरे बहन की बॉबली टीम ही बुरी है यार ये। अब तू टीम में कमी निकाल दे, तुझसे रन ना लग रहे तो। विराट कम। हाँ तू ही आ जा यार। हाँ धोनी भाई। अबे विराट ये क्या कर रहा है यार? यार बहन जो वर्ल्ड कप में तो लंगड़ा होकर भी 200 रन मार दिया, यहाँ इससे 2 रन नहीं लग रहे। एक आइडिया आया। क्या? और एक बार फिर से मैक्सवेल क्रीज पर आ गए हैं। चोटिल से लग रहे हैं, कुछ लगता है पैर में कुछ चोट सी आई है। जी जी, अभी ठीक करने की कोशिश की थी धोनी और विराट भाई ने। जी, और पहली बॉल बॉलर की, और ये क्या, ये क्या, सिक्स सिक्स आउट ऑफ द पवेलियन है ये बॉल। एक और सिक्स, एक और सिक्स, ये क्या दे दिया है टॉनिक मैक्सी भाई को धोनी और विराट ने। और ये एक और बॉल, और ये ये क्या हुआ, ये देखने लायक नहीं था ये वैसे, पर देखना पड़ेगा। विराट अब क्या करें? कोहली वापस आ चुके हैं एक बार फिर से ग्राउंड में, और ये आउट। ये क्या हो रहा है, ये क्यों डर रहे थे?
और विराट को क्या हो गया? ओ कोहली, खेल कर आए हैं होली? नहीं जी, ये होली का रंग नहीं है, ये तो मैक्सी दवाई नहीं पी रहा था कड़वी की वजह से तो उलट दी। और ये मैक्स, मैक्स विदाउट लैक्स, ये क्या? ओह माय गॉड, उड़ीपा भोसली का क्या कसाई है भाई? अबे इससे ज्यादा तो मैं डर रही हूँ इससे। जलवे बॉल करा। और ये मैक्सवेल को गेंद, और ये चार रन, पहला शॉट व्हील चेयर पे इतिहास का। यस, बहुत शानदार मैक्स। ओह, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, क्या बात है, मैक्स विदाउट लेग्स इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब एंड द रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये क्या, ये क्या, काफी तेज रनिंग कर रहे हैं, इतने अपन लस्सी मंगा ले। मुझे लग रहा है अगले सीजन तक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, और बताओ सब बढ़िया? हाँ, चना वना खाएंगे कुछ आप? ना ना, मैं तो देखो ऐसा है, मुझे जो पसंद है वो तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अरे ये रन, और ये मुझे लगता है आउट हो गया, और मैक्सवेल बच चुके हैं, और विराट, ओह माय गॉड विराट बचे बहनचोद। ओ तुझसे रनिंग तेज ना हो रही बहनचोद। और अगली बॉल के लिए बॉलर तैयार, मैक्सवेल स्ट्राइक पर, देखना होगा क्या होगा। और ये बॉल, और शानदार शॉट, बल्ले से है या व्हील से? लेग बॉय, चार रन, वन मिनट। भाई किस बात का लेग बॉय, लेग है मेरी तो फिर व्हील बॉय, चार रन। और विराट, ओह वाह, ओके ब्राट, आई वांट टू डिक्लेयर। बॉल डाल वे। और बॉलर की एक और अगली बॉल मैक्स विदाउट लेग को, और ये शानदार छह, वाह। लड़की लड़की लड़की, हाँ हम मिली टीआरपी, यही तो चाहिए था टीआरपी के लिए। ओहो, क्या कमर है, 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 है। और ये क्या फिगर है, ओ माय गॉड, और ये अब चेहरा। खुदा, ये किस नस्ल का बहन का लोड़ा है। आईपीएल की रेड लगा रखी है तुम्हें, आईपीएल में आने किसने दिया? अब तुम्हारी सूरत स्टेडियम में आनेगी और इस हसीन लोडिया के बराबर बैठेगी, सालों का लोटो। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? तेरी जॉब खा जाऊंगा। तेरी कैसे खा जाओगे, मैं तो आईपीएल करा रही हूँ। तो मैं छोड़ दूंगा ये जॉब फिर। ना भैया तू मत छोड़ भैया, वरना टीआरपी की तो मां बहन हो जाएगी। अबे इन आलुओं कलुओं को टिकट बेचता कौन है? ब्लैक है साले, ब्लैक में ले रहे हैं। कैमरा मैन भाई, मैं तुमसे कह रही हूँ, जो करना है इनके साथ वो करो, कानून पूरा आपके साथ है। फांसी दिलवा दूंगा सालों तुम्हें। मैक्सवेल क्रीज पर एक शॉट और शानदार चार रन, वाह वाह, ये मुंह क्यों छुपा रहे? एक और शॉट, और मैक्सवेल सिंगल चुराने की फ्राक में है। और ये क्या, फील्डर के हाथ में बॉल, और मैक्सवेल क्रीज पे चौथे गियर में जाते हुए, क्या लगता है क्या होगा? मुझे नहीं पता, जितना स्लो जा रहे हैं, एक लस्सी और मंगा लेता हूँ। और ये पहुंचने वाले, ये लॉस आरसीबी को भारी पड़ेगा। और नए बल्लेबाज हैं दिनेश कार्तिक, काफी अच्छे आंकड़े हैं, देख सकते हैं आप। ओहो, पहली बॉल भाई छक्का, वाह क्या ओपनिंग करी है, क्या लगता है क्या होगा? ये मुझे कुछ करण अर्जुन टाइप सीन लग रहा है। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से प्लेयर एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, कैच तो बनता है, काफी ऊंचा शॉट है दिनेश कार्तिक का। और ये देखिए क्या हाथ में आ गई है, अरे ये क्या, और ये जंप, और अरे सुधाई, अरे क्या, हट, कैच छूट गया। ओ भाई, ओ जी एम्पायर नाराज, ये क्या चल रहा है, ये अरे लपेट दिया गया। अरे सर ये क्या चल लिया बेटे, ये युद्ध चल लिया। अरे युद्ध में तो घोड़े चले हैं, इसमें लोड़े चले हैं। तू बोल करा, मैं इनका पूरा पैकेज बुक करवा के आऊंगा। लो दूध भी ले लो हल्दी वाला, दूध पी लो जी, हल्दी का है, तुम्हारा स्टैमिना बढ़ जाएगा इसे पी का। स्टैमिना? फील्डिंग छोड़ के
हारे गाँव। यहाँ दिनेश कार्तिक और कोहली जिस तरीके से पेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कपल ओयो में खेल रहे हैं। और ये आउट, डीआरएस ले लिया है, बहुत तेज लिया है। कोई डीआरएस नहीं? ओ डीआरएस दिखा, डीआरएस इधर। अरे मैं नहीं दिखा सकता, लेट लिया है। एक सेकंड में डीआरएस ले लिया बेंचोद। अजी लिया मेरा कद्दू। अबे ओ एम्पायर, डीआरएस दिखा इधर को। एक काम कर फिर, डीआरएस ले ले। डीआरएस का डीआरएस बेंचोद। तो फिर निकल आउट है। चलिए डीआरएस का डीआरएस देखते हैं। इसकी स्क्रीन स्लो कर दो, टाइम तेज करो। ओ ओ ओ ओ ओ, ये लग रहा है मुझे कि काफी लेट लिया विराट। क्लियर, हराम का आउट ले रहे हैं साले। बे फालतू किसे बोल लिया होगा तू? हैं? अबे आज तक लाल हराम ना खाया हमने। और ये नया प्लेयर बिल जैक्सन का स्कोर कार्ड देखिए, उधर मत देखिए, ये देखिए, ये मत देखिए। ओह ये क्या गंदी नजर। दलाल ये कौन होती? बिल जैक से? इसका बिल कितने में मिलती? पूछता हूँ, तुरंत खरीदती, मिल जाएगा। दलाल ये वो बिल नहीं मांगती, ये बिल का बिल मांगती साली, साली नापाक। दलाल ये हीरो कैम में बिल को दिखाती पीछे से। अरे बिल जैक्स को दिखा दो भाई, स्टंप वाले एंगल से हीरो कैम में। भैया बिल जैक शानदार पारी खेल रहे हैं, देखिए शॉट, लेकिन अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे आप इस पर? जी थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ हाई है तो इस वजह से लग रहा होगा, वैसे मोटी काफी। ये लेफ्ट से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान उठा सकता है। अब देखने नहीं मिलेगी बिल जैक्स की पारी। ए, ए दलाल ये किधर जाती? आउट हो गया वो। आउट क्या होती भैया, इसको बुलाती, पैसे देती इसके दलाल को। कोई पैसा उसे नहीं रोक सकती क्योंकि हम खुद सारा पैसा चेन्नई पे लगा देती। भैया भैया तू रोती नहीं, छोटी ए छोटी छोटी तू रोती नहीं, ए चल ले दलाल, ये मैच रोक देती अभी, जल्दी से रोक देती, कोई बहाना बना के रोक देती। कैसे रुकवाऊं? अरे कह दो बारिश पड़ गई, मौसम साफ है। अरे तो चल ले, काम करती तू, किसी की काली गाड़ पे झूम मार के ही दिखा देती कि काली घटा हो गई। अरे यार किसी काली गाड़ पे झूम मार दो छोटी बेटे, अरे ये चक्कर आ रहे हैं। छोटी मैं यहाँ पे अभी बिल को लगा दी, यहाँ पे इधर बैठा देती, इधर कोई और बैठती मैं उधर बैठा देती, उधर तो सीट ही नहीं होती। अरे मैं इधर बैठाती भैया, फॉर अ रीजन, गंदी फॉर अ रीजन। इधर मैच रिस्टार्ट कराती दलाल। अरे यार विराट भाई अब क्या करें, अब रन तो हमें और चाहिए होंगे, तुम भी आउट हो गए। अब तो इंपैक्ट प्लेयर को ही बुलाना पड़ेगा। पर बेंचोद इंपैक्ट प्लेयर में खिलाएं किसे? अब तो सिर्फ हमें एक बंदा ही बचा सकता है। और ये क्या टिर्री? अरे कभी टिर्री तो कभी इनोवा, आखिर स्टेडियम में हो क्या रहा है? ये देखिए टिर्री पर कौन है, पान खाने वाला इंसान, आखिर ये कौन है? ये अभी तक सूरत नहीं दिखाई गई। ओह माय गॉड, ये कोई और नहीं, ये है अरशद ई रिक्शा वाला। सवारी छोड़ दिए, बल्लेबाजी करेंगे। जी हाँ, the new impact player of RCB। बल्ला बॉल डाल रहे, सवारी को भी छोड़ के आना हमें। अरशद को पहली बॉल डलेगी, और ये क्या शानदार शॉट, एक और शॉट, एक और शॉट, ये क्या शानदार खेल रहे हैं अरशद तो। अगर इंपैक्ट प्लेयर हो तो अरशद जैसा, और ये देखिए क्या शॉट्स हैं, वाह अरशद ने आते, और ये क्या दिनेश भी बराबर साथ देते हुए अरशद का, दोनों की पारी आरसीबी को लेके जाती हुई उनके कप की ओर, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप, और ये क्या, ये तो किस तरीके का शॉट है, ये कोई नया शॉट, ये आईपीएल में आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा गया। जी बिल्कुल, मैं कहूंगा ये कोई शॉट नहीं, ये तो अद्भुत नजारा था क्रिकेट का। एनर्जी टाइम, एनर्जी टाइम में पान मंगाया है। तू जब बॉलिंग कराएगा ना बाउंसर डालनी है, इस गमट्टे से एक बॉल नहीं लगेगी, समझ गया? तेज बाउंसर, यहाँ से निकले बॉल, सही है? बॉलर गुस्से में अरशद को एक बॉल, और ये बाउंस, बाउंस थी बॉल, और ये दूसरी बाउंस। ओहो अरशद की कमजोरी शायद पता लग गई है, तीसरी बाउंस, एक और बाउंस। ओहो क्या करेंगे अरशद ऐसे में,
क्या लगता है? अरे गैग बांट की यहाँ पर मुझे रणनीति काम दिखाती ही नजर आ रही है। पर अरसद भी कम नहीं है, देखना होगा क्या होगा। ये क्या है, क्या ये सीढ़ी? सीढ़ी शॉट बहन का, ये क्या? आईपीएल में सीढ़ी पे पहला शॉट और इसी के साथ अरसद 98 पे पहुंचे। और आरसीबी की पारी की लास्ट बॉल और अरशद का शतक होगा या नहीं, और ये 4 रन अरशद का शतक पूरा। वाह, शानदार इंपैक्ट प्लेयर के रूप में निकल के आए हैं अरशद, अपना बखूबी निभाया है जैसे ई रिक्शे पे निभाते हैं। अरशद भाई क्या खेले हो आप यार, मजा आ गया आपकी बैटिंग में, फैन हो गया मैं आपका। एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी तरफ से बॉलिंग और कर लो आप। चल बे, इतना फालतू टाइम नहीं हम पे, सवारी इंतजार कर रही है हमारी। अरशद भाई एक आखिरी उम्मीद तुम ही हो यार हमारी। मैं उम्मीद गई तेल लेने। अरशद भाई हम आपको नहीं जा रहे देंगे अरशद भाई। अरे 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 हट बे, ओए अरे अरे हमें नहीं फोन पे, हट बे। अरशद भाई पहले हमें छोड़ गाओ, बहुत टाइम हो गया। आरसीबी के 290 के विशाल टारगेट देने के बाद क्या चेन्नई ये पूरा कर पाएगी? और गैगवार्ड आ गए हैं, कप्तान कहने को है बस, और बॉलर आरसीबी का तैयार, गैगवार्ड भी तैयार। पहली बॉल और ये बेहतरीन शॉट, वाह वाह। धोनी अगर होते तो थोड़ा अलग मारते, धोनी की बात ही और है, उनकी तो निराली बात है, कुछ अलग ही खेलते हैं। जब धोनी आते हैं तो शोर कितना मस्त है, आप ये देखो जी, धोनी धोनी कितने रन हो गए, क्या देखिए धोनी कितने खूबसूरत लग रहे हैं सोते हुए भी। डड्डू भाई छक्का मैंने मारा, दिखा उन्हें रहे। अरे छोड़ो रितु, क्या रखा इन बातों में, वैसे ये बताओ कितनी देर और लग रही है, इंतजार कर रहे हो? कितनी देर इंतजार कौन? गैगवार्ड का एक बार फिर शानदार शॉट, इस शॉट से मुझे फिर धोनी की याद आ गई। जी जी, धोनी होते तो इतनी गेंदों में तो शतक कर देते हैं वो। आपको याद होगी बांधखेड़े की पारी जहां पर धोनी ने कितना शानदार खेला था कि आपने मुंह में ले लिया था। जी मैंने बिल्कुल मुंह में लिया था, ये देखिए धोनी सुंदर। मैं बर्फी की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी नहीं कर रहा था। तो वो तुमने लिया होगा और आकाश ने। इसको छोड़िए, गायकवाड़ काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? और ये क्या, ये स्लिंग लेफ्ट बॉल्ड, ये बिल्कुल क्लियर बॉल्ड है। मेरे ये रहे तेरा बल्ला और ये रहे तेरे ग्लव्स, नहीं करनी ऐसी कप्तानी, दिखा दे रहे हो अपने माई भाई की जाओ। नए खिलाड़ी आए हैं जड्डू और ये गए जड्डू। ऐसे तो हम मैच हार जाती पूरा। शेख साहब एक काम करो, इंपैक्ट प्लेयर बुला लो। इंपैक्ट प्लेयर ये क्या होती? इंपैक्ट प्लेयर मतलब तुम किसी भी खिलाड़ी के बदले कोई भी खिलाड़ी खिला सकते हो। सवाल आम से लाना अलनसर 7 नंबर यहाँ पे नींद की गंडी में, यह ज्यादा मुजोरी करती तो जोर जी ना उठा लेती। देखना होगा। और ये कौन है? क्या क्या क्या, ये वही है जो मुझे लग रहा है। ओह माय गॉड, CR7 रोनाल्डो। ये देखिए, सूरज हटेगा तो पता चलेगा असली शख्सियत का, ये खतरनाक है, रोनाल्डो है। ये कौन है झंडू? Where is the fucking goal post? रोनाल्डो आ चुके हैं पिच पर। अरे आप किधर उठ कर जा रहे हैं? अरे मुझे नहीं करनी कमेंट्री। अरे एक दो सूत का ही तो फर्क है। अरे भाई साहब पूरी छोड़ो, ये दूसरी मां का रोनाल्डो आप समझो, मुझे नहीं करनी कमेंट। अरे अरे, और ये बॉलर की रोनाल्डो को पहली बॉल, और पहली बॉल पर ही गोल, ओ सॉरी छक्का, एक और चौका। वाह, रोनाल्डो को बैट की कोई जरूरत ही नहीं है, उनकी टांगों में ही इतनी जान है। वाह, एक और छक्का, छक्के पे छक्का। वाह क्या शॉट है, लगता है खिलाड़ी रोक लेंगे। और ये क्या, रोनाल्डो ने रोक लिया है, शायद कुछ अलग करना चाहते, और ये ड्रिबलिंग करने लगे। ओहो, 200 सा है, रोनाल्डो की स्किल्स काफी अच्छी हैं। ओह माय गॉड, और ये एक और चौका, और इसी के साथ रोनाल्डो कंप्लीट करेंगे। सूज गया भाई। लगता है ये आउट, आ जाओ भी आउट हो गया, आउट हो गया। हाँ आया आया। और वही रोनाल्डो की 7वीं जाली को भी जाने के बाद चेन्नई का 5वां खिलाड़ी रहाणे क्रीज पर है, देखना होगा पहली बॉल पर क्या करेंगे। और ये मिस हो गई है, ये क्या आउट।
आउट। व्हाट अ विकेट बाय दिनेश कार्तिक। जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है। दिनेस भाई एक बात बताओ, जब स्टंप सीधे सीधे हो सकता था तो यूं करके करने की जरूरत पड़ी? बात बिल्कुल ठीक है, पर यार उधर जाने में बड़ी टॉप की लोंडिया बैठी है। कौन बैठी है? बड़ी शानदार तिकड़ा यार, हम भी सीखेंगे। अरे शेख साहब, आप ये दूसरा इंपैक्ट प्लेयर नहीं खिला सकते, ये गलत है। साला सबसे गलत तो तुम्हारा इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल होती, एक दिन देखना ये बंद हो जाएगी। वाह शेख साहब, ये बात आप कह रहे हैं। 3 साल पहले आपने शुरू करा ये रूल क्रिस गेल को खिलाकर। हम फिर भी इस रूल की धज्जियां उड़ाती है ट्रेविस को बुला के। ट्रेविस मेरे बेटे को हम फास्ट ऑन द पिच, जिसकी माँ का दलाल बहुत चेत थी। शेख साहब, वो हेड उधर खोपड़े फाड़ेगा और तुम हमारे। एक और इंपैक्ट प्लेयर, और ये कौन है? ओह माय गॉड, ट्रेविस हेड। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसका नाम है हेड, लेकिन बॉलरों के खोपड़े खोल देता है, बल्कि उनके सॉरी। और ये पहली बॉल ट्रेविस हेड को, और ये शानदार, और ये क्या बॉल मिस कर दी ट्रेविस ने। और एक और बॉल देखते हैं, ये भी मिस। ओह माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है, देखना ये होगा किस पे क्या करेंगे। ये भी मिस, ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चल रहा है, फॉर्म में नहीं नजर आ रहे ट्रेविस हेड। और ये भी मिस। अरे दलाल, ये रन क्यों नहीं मारती ट्रेविस? शेख साहब, मैंने आपसे पहले कहा था ये सिर्फ ब्लू जर्सी वालों को पहनता है। अरे तो आरसीबी की बिलो करती है भी ड्रेस। अरे नहीं शेख साहब, ऐसा नहीं हो सकता, बीच मैच में कैसे चेंज हो सकती है जर्सी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जर्सी चेंज नहीं हो सकती? नहीं तो दलाल कुछ और तो चेंज हो सकती। मुबारक हो शेख साहब, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हे ट्रेविस, आर यू ओके? यस आई एम ओके। Can you please tell me the color of his pajama? It's blue. Wow. Blue? The kick hard for the game. Give me the bat. Give me the bat, please. Doctor saab, tum sakal se to bahut suar dikhti, par tum mein talent koot koot ke bhara hoti. Abhi hum tumhara jadooi karisma wahan pitch par dekhti. To kya tum hamare bhai ka ilaaj karti? Kis bimari ka ilaaj? Bimari ka nahi, nase ka ilaaj hoti. नशे नशे कौन करती है? कौन जाहिल ये हरकत करती गंदी? इधर तुम खजूर तोड़ के लाती, इस पे खजूर नहीं आती। आज हमारा छोटा भाई बड़े भाई की नाफरमानी करती, इससे अच्छा होती हम डूब के कहीं मर जाती। हम चलती भैया, हम अब सिर्फ खजूर नहीं तोड़ती। किस नशे की बात कर रहे थे आप? गांड का नशा है? गांड वाड़ के नशे का मैं नहीं करता हूं इलाज। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हम तुम्हें 100 ईंटें देती, वो भी सोने की। 100? भैया लेट जाओगी। लेट जाती तुम भी आती क्या ऊपर को? हम क्यों आएंगे ऊपर? अरे बैठती तो कुछ दिखाती। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी ये तो बहुत गलत बात है। किसी को वर्ल्ड कप की तैयारी करनी होती? कितना अच्छा भैया होती हमारा, एक तरबूज के बदले में काम लीगल कर देती। दलाल, इस खतरनाक गांड लेवा बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। शेख साहब, है तो तुम्हारा अपना ही। आंखों के ऑपरेशन के बाद मुझे ट्रेविस हेड की आंखों में कुछ अलग दिख रहा है, क्या लगता क्या हुआ होगा? ये देखिए, एक ऑपरेशन किया है नए प्रकार का, इसमें लाल कलर अब नीला दिखाई दे रहा है। तो उससे क्या होगा? ओ ओ ओ ओ माय गॉड, बहुत लंबा छक्का। उससे आप पूछ रहे थे क्या होगा? ये होगा उससे। ओ, ये देखो, और छक्का। वाह ट्रेविस हेड, वाह।
अब ये वो ट्रेविस हेड नहीं जो बॉल मिस कर रहे हैं, अब तो ये छह मार रहे हैं, और छह। मुझे लगता है बॉलर को संन्यास ले लेना चाहिए। आप इनकी जगह होते तो क्या करते? मैं पीरियड्स का बहाना बना के यहाँ से चला जाता बॉलिंग छोड़कर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए आंखों में देखिए किस तरीके का जोश और नाराजगी नजर आ रही है जो पिछली गेंद ने मिस की थी। बॉलर बिल्कुल रोने को रेडी है। और एक और बॉल, और एक और छक्का। संन्यास ले ले भैया। ये देखिए, ओह अरे, ये ऐसे रो रहा है जैसे इसकी गांड मार दियो। लग भी रहा, ये बहुत बुरा है इसके लिए। यार ब्राट, जिस हिसाब से हमारे बॉलरों को मार रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ये 15 मिनट में मैच जीत जाएंगे भाई। अब क्या करें हम? ये लोग ना बहुत बेरहमी से मार रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा बॉलर उतारना पड़ेगा जिस पे थोड़ा बहुत रहम कर लें। पर ब्राट, अपनी टीम में कौन है ऐसा जिसको पर ये रहम कर लें? चलो चलो, प्लानिंग चल रही है उधर लगा रहे। यहाँ पे विराट ने जो है सिंपैथी कार्ड, रहम कार्ड खेला है मैक्सवेल को बॉलिंग थमाकर, क्योंकि इन पर कोई छक्का मार ही नहीं सकता है। कैसे मारेगा, इनके हालात देखो। ओहो, वाह वाह वाह, क्या शानदार रन अप है इनका, और शानदार एक्शन के साथ। और ये क्या ट्रेविस हेड बिल्कुल रहम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रहम नहीं है जी। मैक्सवेल की भी कहां तोड़ ले। ये देखिए एक और छह, बहुत कम रन चाहिए चेन्नई को। मुझे लगता है मैक्सवेल को अपने हाथ भी कटवा लेने चाहिए। अजी, वो भी कटवा ले तो बेहतर है। वो क्या विराट भाई, मजा नहीं आया बात में। रहम की बात कर रहे थे, बेरहमी से पीट रहे हैं साले देसी भाई। हाँ बता। थोड़ी स्पीड निकालनी है, स्पीड कम आ रही है रन अप की वजह से। कुछ हो सकती है क्या हेल्प? हाँ हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, आई विल पे यू इन कैश। नो कैश, ओनली 5 भैंस। व्हाट डू यू मीन भैंस? भैंस मींस अंगुल, मोर मुफेलो। ओके, हेलो, 5 ऑस्ट्रेलियन मुफेलो आपके घर पहुंच जाएंगे। डील डन, हेल्प। और ट्रेविस हेड फिर से एक बार तैयार, और मैक्स बेल भी एक बार फिर गांड तोड़वाने को तैयार। ओहो, क्या लगता है इस बार कुछ बॉल में स्पीड आएगी? मुझे लगता है कि रन अप लेंगे, कुछ कुछ तरीका तो अपनाया है इन्होंने। ये देखिए गाड़ी खुद कैसे चल रही है। और ये क्या, ओहो, देसी हेल्प कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या मदद कर रहे हैं। ये उठा दिया इसमें भी, नो बॉल, मुफ्त हिट है, मुफ्त। अबे देसी, किस बात की नो बॉल है? पैर की नो बॉल है, पैर बहुत आगे निकल गया क्रिस से। पैर है मेरे साले, लात ऐसी मारूंगा घुमा के। मारिए, मार, ओवर हो गया। इधर को आ जा, ओवर हो गया। पूरी बॉल डाल के जाएगा, कटोरा पकड़ा दूंगा वरना। जा सिराज, ऐसा करो तुम बॉलिंग कराओ ना भैया, मजा आप कर, मैं ना डालूंगी। तो ऐसा करो तुम कराओ बॉलिंग। मैं नहीं करूंगा अभी एक भी ओवर। साला ये कौन सी बात हो गई, जब तुम बॉलिंग नहीं कराएगा तो ऐसे तो हम मैच हार जाएंगे ना। अरे तो बॉलर खरीदो ना, खरीदते क्यों नहीं हो? अबे हां यार, बॉलर तो खरीदने चाहिए थे। हां खरीदने चाहिए थे बॉलर। अरे तो बहन के लड़ो, तुम कौन हो फिर? हां तुम कौन है नीदर? अरे मैं ना बॉलर, अरे बॉलर बॉलर। ऐसे बात नहीं बनेगी, अब हमको ही करना पड़ेगा कुछ। चलिए नेक्स्ट। चलिए कराइए बॉल। और दयाल पे किस्मत ने भी कोई दया नहीं खाई है, बॉल आई है दयाल के पाले में। देखना होगा कि क्या करेंगे ये। और नया बॉलर, और ट्रेविस हेड को चाहिए 6 रन शतक में। और ये क्या उठा दिया है, शायद 6 रन होंगे। और ये 6 शतक, सेंचुरी, ट्रेविस हेड। नाम ट्रेविस हेड सुनाई होगा। ये देखिए बल्ला, एक और बॉल नहीं, वीडियो लंबी हो रही थी, एक और 6, एक और 6, और ये फिर एक 6। दयाल पर भी कोई दया नहीं खा रहा है ये दानव। और यहाँ दयाल रोने लगे हैं सच में। एम्पायर साहब, इसके अंदर कहाँ से जिन आ गया, हमें इस जिन से बचा लो। यार आई एम सॉरी यार, मैं इसमें एक विकेट ऑलरेडी चटका चुका हूँ, मैं निगाहों में आ जाऊंगा दलाल की। यार आपको, आपके इस पर्पल कैप की कसम, हमें इससे बचा लो।
और ये पर्पल कैप, अबे ये जा रही है, और ये क्या गोल्ड ट्रेविस हेड। छह बोलो में 22 रन बोल तैयार है दुबे को, और दुबे ने उठा दिया है और बहुत ऊंचा जा रहा है, ये छह हो गया और ये आ रहा है, और ये ठाकुर भी आ गया बॉल। ऐसे विकेट गिर रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम पर लोंडियों का स्टैंडर्ड गिरता है। धोनी भाई अब आपको जाना चाहिए, आप ही बचा सकते हो। नहीं अभी नहीं, बाद में। अब धोनी भाई बाद में क्या कर रहा हो, चार बोले सारी बची है, चार बची, चार बोलो में 22 रन क्या बना पाएगी ये चेन्नई, और ये दाग है अपने महान द लेजेंड द मिथ द माई धोनी। ओह माय गॉड, वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। मुझे ऑर्गेज्म आ रहा है। ये बस कंट्रोल कीजिए, अरे ये सुबह सुबह के निकला और ये बॉलर की बॉल, और ये धोनी ये चार रन, वाह 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 धोनी, एक और बॉल और ये एक और, ये छह और फिर छह, अब रन चाहिए एक बॉल में छह। क्या है ये धोनी, सच में मिथ। देखिए चार छह छह और विराट कोहली की शक्ल देखने लायक। रहम आ रहा है मुझे कुछ, उनके खिलाड़ी अंडरग्राउंड। विराट भाई अपनी किस्मत में कौन से लोड़े लगे हुए हैं? अभी भी चांस है, हम मैच जीत सकता है भाई। अरे बेइज्जत कैसे जीत जाएंगे, देख ना यार छक्के पे छक्के मार रहे हैं, एक छक्का तो आराम से मार देंगे। एक बॉल सामने धोनी छह रन, और ये बॉल, ये क्या हुआ, ये कुछ आया है। जी जी मुझे लगता है लव लेटर आया है देसी का, पर उनको तो पढ़ना नहीं आता। हिंदी में ना पलट के देख, हिंदी में भी लाए। सुनो सुनो सुनो, सभी प्लेयर और सट्टेबाजों को सूचित किया जाता है कि बीसीबीसी की तरफ से SRC बिल पास हो गया है। नए कानून के मुताबिक खिलाड़ी अगर एक ओवर में 3 छक्के मारेगा उसको जेल होगी, और मैदान की लंबाई बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दी गई है। छक्का अब कुल 15 किलोमीटर का हो गया है, आसान है। अरे एम्पायर इस बॉल को तो खिलवाओ यार, अगले मैच से बिल पास करा लियो। इसी बॉल से पास हो गया है बिल, चुपचाप जाके खेल ले। SRC लागू होने के बाद धोनी काफी उदास नजर आ रहे हैं। जी जी अब क्या ही हो पाएगा चेन्नई का, अब क्या ही कर पाएंगे धोनी, हम भी चलते हैं। जी विराट इससे बॉल क्यों ले रहा है, किससे बॉल करवाएगा फिर? ये कौन है आखिर, ये कौन सा बॉलर है, ये क्या कर रहे हैं विराट? विराट कुछ पागल से हो गए, क्या कर रहे हैं लास्ट बॉल पर ये? हाँ ये तो चपरासी, ये तो आगे पिस ऑफ करता है, इससे बॉल करवाएगा क्या? इससे भी नहीं डलवाऊंगा। तो किससे करवाएगा? ओ ओ ओ ओ ओ नो ओ नो ओ नो बच्चा, फॉर मैच टू दाई मैच, मैच चला रही है, एक मिनट रुक जा। बाबला हो गया विराट बाबला, इस बच्चे से बॉल करवाएगा, पागल है क्या, मैच हार जाएंगे हम। चुप, धोनी के हाथ में बॉल दूंगा ना तब भी नहीं मार पाएगा, SRC लागू हो गई है। अरे तुम बस जीत के मजे लो, आओ। एक बॉल छह रन, सामने उदास और मायूस धोनी। SRC लागू होने के बाद एक बॉल में आप अगर छक्का मारते हैं तो आपको जेल होगी, और अगर नहीं मारते हैं तो ये मैच चेन्नई के हाथ से निकल गया है। और अगर मारने की कोशिश भी करी तो 15 किलोमीटर का है छक्का, कैसा लगेगा? उठा के मारना, उठा के, कितना ही उठा ले नहीं लग पाएगा। 15 किलोमीटर का छक्का मारना नामुमकिन जैसा है, और यांटू छांटू कदमों के साथ बच्चा बॉलर पड़ता हुआ और बॉल फेंक दिए। धोनी क्या ही करेंगे इस बॉल पे? धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, और इसी के साथ अफसोस से बताना पड़ेगा बेंगलोर जीती। यस जीत गए बेंगलोर, यस 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 यस। और ये हार चेन्नई को हमेशा याद रहेगी, SRC भी सबको याद रहेगा। लेकिन ये क्या है मुझे बताइए, ये क्या देखने मिल रहा है कि बॉल अभी ग्राउंड पर टच नहीं हुई है। जी बॉल, बॉल तो उसके साथ चली गई है। प्लान अपनी बॉल लाइन पे जाना, पर इसकी बहन का ओए अब बॉल पे बॉल पे ओए अब बॉल का को लेकर जा रही है। अबे एम्पायर क्या हम जीए, क्या है अभी ना जीते, जब बॉल जमीन पे गिरेगी तब पता चलेगा कि हारे हो या जीते हो, तब तक के लिए फक बंद। अरे
बार बताते क्यों नहीं हो कि हम जीत गए? अरे यार ब्रैड भाई, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? अरे ट्रॉफी उठा उठा के अलग करो यार, उठा उठा। हेलो, दिस इज पायलट राजवीर सिकावत स्पीकिंग। गलत नंबर है। अरे राजवीर बोल रहे हो भैया? हाँ सही है, बताओ। देसी, आपको ये बताने के लिए कॉल की गई है कि आपकी बॉल 724 किलोमीटर दूर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। 724 किलोमीटर लंबा छक्का! अरे हट इसकी बहन का, हट! लैंड खेला ऐसी टीम में भोसड़ी का, सन्यास चाहिए मुझे अभी। हट! यस यस। ब्रैड भाई, जहर मिला रही हूँ। पर ब्रैड भाई, इसमें इस बच्चे की गलती है। अरे सब गलती इसकी है, मैंने बुलाया इसे लैंड के लिए आया। अरे ब्रैड भाई, जहर की जरूरत तो हमें। गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके 36 का आंकड़ा पहुंचा दो, 36 मिलियन का। एंड गाइस, बिनोमो ने और हमने मिलकर मोर देन 10,000 ट्रीज लगाए हैं, तो उसके लिए हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। और गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट करो, यहाँ पर 2-3 लाख कमेंट्स पहुंचा दो, ठीक है? और अगली वीडियो 6 महीने बाद जल्दी आएगी। खरीद लिया, पर शेख साहब अभी तो एक साल आईपीएल में।